हरियाणा में 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसको लेकर शिक्षा विभाग ने कमर कसते हुए फैसला लिया है कि 20-20 के बैच में छात्र स्कूल आ सकते हैं, वो भी सिर्फ डाउट क्लियर करने के लिए, जिसमें अभिभावकों की सहमति जरूरी होगी और टीचर्स को कोरोना टेस्ट करवाने के बाद स्कूल आने की इजाजत होगी। यदि टीचर्स की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वे स्कूल नहीं आ सकेंगे। हरियाणा में 21 सितंबर को स्कूल खुलने जा रहे हैं, जिसमें 10वीं व 12वीं कक्षाओं के छात्र स्कूल आ सकेंगे। यह फैसला छात्रों की बोर्ड परीक्षाओं को लेकर लिया गया है ताकि छात्र स्कूल में आकर डाउट क्लियर कर सकें। शिक्षा विभाग द्वारा इसको लेकर बकायदा रूपरेखा तैयार कर ली गई है, जिसमें फैसला लिया गया है कि छात्र 20-20 के बैच में स्कूल आ सकेंगे और उसके लिए उन्हें अभिभावकों से लिखित सहमति लेनी होगी। छात्रों की रोज स्क्रीनिंग होगी और मास्क और सैनिटाइजर का विशेष ख्याल रखा जाएगा। इतना ही नहीं, स्कूल आने वाले टीचर्स का कोरोना टेस्ट होगा, जिसकी रिपोर्ट के बाद ही वे स्कूल आ सकेंगे। यदि स्कूल टीचर की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो वो स्कूल नहीं आ सकेंगे। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को बाकायदा पत्र लिखकर व्यवस्था करने के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। देखिए, ऐसा है, 21 सितंबर से हमारे पास जो हैं 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चों के लिए एक ये सुविधा प्रदान की गई है विभाग द्वारा, क्योंकि बोर्ड की कक्षाएं होती हैं, उनका जो है पढ़ाई ठीक से चले, साल खराब ना हो जाए, एग्ज़ाम अच्छे हो जाएं, तो उनको कुछ डाउट्स हो सकते हैं अपने सिलेबस के बारे में, अपनी पढ़ाई के बारे में कुछ संशय हो सकते हैं, तो वो संशय वो दूर कर लें, डाउट्स दूर करें, इसलिए वो टीचर्स को मिलने स्कूल में आएँ, ऐसा एक जो है कार्यक्रम बनाया गया है। टीचर्स हमारे पहले से ही स्कूलों के अंदर आ रहे थे और अब बच्चे जो हैं वो अपने 20 बच्चों के ग्रुप में, एक क्लास के 20 बच्चे आ सकते हैं डाउट लेने के लिए, और वो बच्चे जो हैं अपने पेरेंट्स की लिखित सहमति के साथ आएंगे। जब एक रिटर्न कंसेंट होगा तभी वो स्कूल में आएंगे, और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स जो विभाग ने जारी किए हैं वो हमने सभी स्कूलों को भेज दिए हैं कि किन किन दिशा निर्देशों का जो है पालना करना है, ताकि जो COVID-19 का है वो कम्युनिटी स्प्रेड ना हो। इन सभी चीज़ों की अनुपालना हो रही है, और साथ में एक विशेष बात ये भी है कि जो PGTs इन बच्चों के साथ डील करेंगे उनके बारे में भी इंस्ट्रक्शन जारी की गई हैं कि वो जो टीचर्स हैं हमारे, जो PGTs हैं, वो अपना कोरोना का टेस्ट भी करा लें। यदि कोई टीचर कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आता है किसी का, तो वो विद्यालय में नहीं जाएगा उस दिन प्रॉब्लम्स लेने के लिए, और जब वो क्वारंटाइन होने के बाद बिल्कुल ठीक हो जाएगा वो तभी जा पाएगा स्कूल के अंदर। तो इस तरह से बच्चों की सुरक्षा का इंतजाम किया गया है, और आदरणीय DC साहब ने भी ये लेटर जारी कर दिया है सिविल सर्जन के नाम, कि भी वो जो है इस मामले में टीचर्स का जो कोविड टेस्ट है वो हो सके तो उसके भी पुख्ता इंतजाम करने के लिए उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी है DC साहब ने भी। ये जैसे मैंने बताया है, अभी जो है बच्चे जो हैं मेनली 10वीं और 12वीं कक्षाओं के बच्चों की बात है, और वो अपनी प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और उनका मेंटेन रखा जाएगा सारा रिकॉर्ड। जैसे मान लो हर रोज़ का टेम्परेचर उनका देखा जाएगा, वो टेम्परेचर रिकॉर्ड भी रखा जाएगा और गूगल लिंक पे अपलोड भी होगा, ताकि शिक्षा विभाग को भी पता चले कि आज कितने बच्चे स्कूल में आए हैं सारे स्टेट में और उनका जो है टेम्परेचर कितना है, जिसका मास्क का, सैनिटाइज़र का, सारी चीज़ जो है, सारे दिशा निर्देश बिल्कुल क्लियर दे दिए गए हैं।